आजकल लोग घरों में हैं तो पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात अपने परिवार को छोड़ के घर से बाहर है। पुलिस कोरोना वायरस जैसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए 24 घंटे सड़क पर तैनात है। सिवान पुलिस कहीं पर मजबूर लोगों की मदद करते हैं तो कहीं पर असहाय लोगों को खाना खिलाते नजर आ रही है, लेकिन आए दिन सड़कों पर चल रही वाहन चेकिंग व गरीब दुकानदारों पर बेवजह परेशान करते भी नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला सिवान सब्जी मंडी के गुड़ दुकानदारों से जुड़ा हुआ है। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि कंटेनमेंट जोन से मुक्त होने के बाद भी कुछ पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे और दुकानदारों को दौड़ा दिया और गुड़ का दुकान सारा सामान गंदे नाली में फेंक दिया। वहीं इस घटना के बाद दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर नगर उपसभापति बबलू साहब पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की और वरीय अधिकारियों से बातचीत भी की। फिर कुछ देर बाद सिवान सदर वीडियो सिवान सदर सीओ और नगर थानाध्यक्ष पहुंचे व घटना की जानकारी ली। सर क्या हुआ है? मामला यही हुआ है कि ये गुड़ की दुकान चलाते हैं और किसी पुलिस कांस्टेबल के द्वारा इनका मीठा के दुकान को जबरन बंद कराते हुए सामान। सर इन लोगों का कैसा आरोप है कि पुलिस आते ही लाठी चार्ज कर दिया और जो मीठा होता है उसको नाला में फेंक दिया। इन लोगों का एक आरोप और है कि गरीब हम लोग रोज कमाते खाते हैं तो इन लोगों का भरपाई कैसे हो पाएगा? अच्छा, इनके मीठा की दुकान खोलने के लिए हम आदेश कर दिए हैं, ये प्रतिदिन अपने गुड़ की दुकान क्या पुलिस पे उस पुलिस पे कोई कार्रवाई भी कुछ कार्रवाई की जाएगी। एक चीज और है, इनसे आवेदन हम लेंगे, ठीक है? हम आवेदन देने के लिए रेडी है, पर उन लोगों ने गलती किया है उसमें कार्रवाई की जाएगी और ये गुड़ की दुकान चला। ये बहुत ही प्रशासन द्वारा बहुत ही निंदनीय कार्रवाई की गई है। मान लीजिए वार्ड 9-20 का लॉक जो कंटेनमेंट जोन था वो 10 तारीख को इसको समाप्त कर दिया गया है और वार्ड 9-20 के साथ साथ कई वार्डों में जो कंटेनमेंट जोन लगा था उसको भी समाप्त कर दिया गया है और लॉकडाउन के हिसाब से जो नियम है उस नियमानुसार दुकान खोलना है, जैसे किराना की दुकान, सब्जी की दुकान और स्टेशनरी की दुकान खोलने का परमिशन सरकार द्वारा है। इसमें एक मीठा बाज़ार है, मीठा व्यवसायी अपना दुकान खोले थे, आज जन्माष्टमी भी है और इसमें पूजा पाठ का सामान बहुत बिकता भी है, तो कुछ पुलिसकर्मी जो उनका तो नाम पता भी नहीं चल रहा है वो लोग अंदर आए और उस दुकानदार का सारे मीठा नाली में फेंक दिए, जो बहुत ही निंदनीय कार्य किए हैं लोग। और मैं प्रशासन से मांग करूँगा, DM साहब से मांग करूँगा, इस पर कार्रवाई की जाए। और आपने उच्च अधिकारियों को इसका मामला संज्ञान दिया कि नहीं दिया? अभी तक हमने BDO साहब को फ़ोन किए हैं, आपके सामने ही कॉल करके बात किए और इंस्पेक्टर साहब को बोले तो BDO साहब बोले कि नहीं, ये सरासर गलत काम हुआ है, हम आते हैं जो जनता का स्थानीय थाना बगल में है क्या जो बोले? जो भी जनता का बात है वो सुना जाएगा। इंस्पेक्टर साहब से बात किए हम, वही बोले कि भाई आते हैं, हमको संज्ञान में नहीं है, हम भी आते हैं, जनता से बात करते हैं। हाँ, जो नियमानुसार जो दुकान है तो अपना लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए खोले लो। एक गरीब का भरपाई किस तरीके से फिर प्रशासन द्वारा करवाया जाएगा, कुछ ऐसा कुछ पहल है? देखिए, प्रशासन तो भाई हम लोग की सेवा में लगा हुआ है, लगातार अपना परिवार छोड़ के हम लोग के देख रेख कर रहा है, अपना भी जान बचा, अपने जान को जोखिम रखकर हम लोग की सेवा कर रहा है। फिर भी मैं जो ये प्रशासन, अब सबको तो दोष नहीं करेंगे, लेकिन जो ये गलत काम किया है उससे उस पर मैं प्रशासन से मांग करूंगा, DM साहब से मांग करूंगा, SP साहब से मांग करूंगी, उस पर उचित कार्रवाई करें ताकि वो गरीबों का सामान कम से कम नहीं फेंके। ये खाने वाला सामान है, इसको तो कम से कम नाली में नहीं फेंकना चाहिए था। जो भी हो, आता बात करता, राय से जो करना चाहिए उसे उचित लगे वो करना चाहिए, लेकिन सामान को नाली में नहीं फेंकना चाहिए, जो बहुत ही गलत काम हुआ। फैब्रिक हाउस पोटक विभिन्न आर्टिफिशियल दीवार, भूकंप रोधी, फायर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, स्पेस सेविंग, इको फ्रेंडली घर, कम खर्च और कम समय में बनवाए जितेंद्र दुबे से। बड़ा से बड़ा हॉल बिना पिलर के तैयार मात्र 15 दिनों में।